पर मोदी सरकार बेकाबू हो गई, भारत ने कैनेडियन का वीजा मुअत्तल कर दिया। Reputational issues and reputational damage. If there's one any country that needs to look at this, I think it is Canada and its growing reputation as a place as a safe haven for terrorists, for extremists, and for organized crime. And I think that's a country that needs to worry about it. New Delhi also confirming temporarily suspending visa services in Canada, adding that the inaction by Canadian authorities is creating an environment that disrupts the functioning of high commissions. भारत ने कनाडा के खिलाफ सबसे खतरनाक कूटनीतिक मिसाइल दाग दी है। भारत सरकार ने कनाडा को दुनिया के सामने बेइज्जत करते हुए कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी हैं। कनाडा में जो जो ऑफिस है या जो कहना चाहिए जो वीजा ऑफिस है कनाडा में भारत का, वो फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया, काम रोक दिया गया है और मजीद किसी को वीजा नहीं दिया जा रहा। टेंशन बढ़ती जा रही है। जस्टिन ट्रूडो की वजह से ही ये दुनेके का मर्डर हुआ है। क्या हुआ है कि जस्टिन ट्रूडो ने ताला हिला दिया बहुत ज्यादा जब उसने भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दिए। भारत ने क्या करा, ठीक है हम ये बंद कर देंगे वो बंद कर देंगे कर, और भारत क्या ही करेगा, भारत ने कर दिया वो। तो ये जो चीज है, ये जो स्ट्रेंथ है जो मोदी जी दिखा रहे हैं, ये ट्रूडो ने कभी सोचा नहीं था अपने सपने के अंदर भी कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। हिंदुस्तान चुप नहीं रहेगा। नियम बदल गए, सरकार बदल गई, दुनिया बदल गई, हिंदुस्तान बदल गया। अगर कोई देश जहां पर भी मारेगा, हिंदुस्तान वहां पे घुस के मारेगा। हिंदुस्तान को किसी कनाडा की जरूरत नहीं है मेरे भाई। मोदी सरकार ने फैसला किया है कि जस्टिन ट्रूडो के बेबुनियाद आरोपों का जवाब निंदा या बयान से नहीं बल्कि ताबड़तोड़ एक्शन से दिया जाएगा। और लड़ाई होंगी है, और लड़ाइयां। मैं तो जस्टिन ट्रूडो को ये कहता हूँ कि डोनिक के जो मारा गया, तुम ये भी बोल दो इसको भी रोने मरवाया है। बोल दो, तुमने पहले भी झूठ बोला था नेचर के मामले में, तुम दोबारा झूठ बोल दो। भारत सरकार ने कनाडा के लिए वीजा सेवा निलंबित कर दी है। अगले आदेश तक ये वीजा सेवा निलंबित की गई है। भारत का हाई कमीशन है कनाडा में, उसने कैनेडियंस के लिए वीजा कर दिए हैं बंद। यानी कि जस्टिन ट्रूडो को बोल दिया है कि तुम और तुम्हारे देशवासियों के लिए इंडिया में नो एंट्री। कनाडा का जो वीजा प्रोसेसिंग इंडिया करता था वो उन्होंने बैन कर दिया है, प्रोसेस बंद कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। खालिस्तान ना कभी बना था, ना कभी बनेगा, ना कभी बनने देंगे। प्रथम राष्ट्र था, है और रहेगा, ये मुट्ठी भर लोगों को मैं कहना चाहता हूँ। कनाडा टिट फॉर टैट करेगा, इंडिया टैट 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 करेगा। यहां से तो पूरी मशीन गन चलती है ना। ये भारत का एक उसूल रहा है कि अगर तुम पत्थर मारोगे तो यहां से ईंट नहीं आएगी, यहां से पूरा पहाड़ जाएगा। सो अगर आज ये इंडिया ने फैसला किया दे आर नॉट गोइंग टू गिव वीजास टू द कैनेडियंस, तो आप देख लें कि वो जो 3.6 बिलियन डॉलर है यहां डूब गया। ये जो स्ट्रेंथ है जो मोदी जी दिखा रहे हैं, ये ट्रूडो ने कभी सोचा नहीं था अपने सपने के अंदर भी कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। अब उसके बाद ये वो बिगड़ा हुआ बच्चा चला गया अमेरिका के पास। आज इंडिया ने एक और कदम उठाया दोस्तों। आज इंडिया ने बोला है कैनेडियंस को नो एंट्री, यानी कि जो कनाडा वासी भारत आना चाहते हैं उनके लिए स्विच ऑफ कर दिया है, उनको वीजा नहीं दिया जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है? इंडियन गवर्नमेंट को यह पता है कि कनाडा जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। कोई कनाडा में खड़े होकर और किसी मुल्क के खिलाफ इस तरह से बात करता है तो यकीनन कैनेडियन गवर्नमेंट को उसके ऊपर एक्शन ले। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कनाडा के ऊपर भारत ने एक बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। दोस्तों भारतीय सरकार ने कनाडा को वीजा को बैन कर दिया है, यानी कि भारतीय सरकार ने बोले हैं कि कनाडियन व्यक्ति हमारे भारत में नो एंट्री। और दोस्तों इसी के साथ भारत ने पहला देश बना जो कि कनाडा के वीजा को बैन किया है। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि भारत ये कितना बड़ा कदम उठा लिया है कि G7 के कैटेगरी में आने वाले देश कनाडा को भी वीजा बैन कर दिया। दोस्तों जब से ही कनाडा और भारत के बीच विवाद शुरू हुआ तभी से अलग अलग देशों से कुछ न कुछ अलग अलग विवाद आते रहता है। जैसे कि अमेरिका में रह रहे सिख समुदाय के एक भारतीय व्यक्ति जिनका नाम जस्टिस सिंह साहब बताया जा रहा है, वो बोल रहे हैं कि कनाडा इस वक्त बहुत ही खराब गलत काम किया है जिसका परिणाम वो खुद ही भुगत रहा है। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि इस वक्त कनाडा को ऐसी स्थिति हो गया है कि वो पाकिस्तान के जैसा होने वाला है और चारों तरफ से उनका फटकार भी मिल रहा है। सारे कोई भारत को ही सपोर्ट करने में लगा हुआ है। वो वीजा बंद करने चाहिए फॉर इंडिया। द रीजन इज कि अगर वो बंद होते हैं तो उसमें कनाडा का नुकसान है। आज इंडिया ने एक और कदम उठाया दोस्तों। आज अब उसी मैदान में उतर गया एनआईए अगेंस्ट खालिस्तानी। और मैं एक बात बताऊं, खालिस्तानी जो तुम कनाडा में हो, थोड़ा सा जस्टिन ट्रूडो को एक बढ़िया सी मोटी सी पंजाबी में गाली दे देना इसको। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जितने भी भाई हैं इंडिया में, तुम्हारा जितना भी सपोर्ट सिस्टम है, आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, आज की डेट नोट डाउन कर लो, ठीक है भाई, आज की डेट नोट डाउन कर लो। आज 21 सितंबर है, टुडे इज 21st of September। आज से 7 दिन लगा लो, तुम 27 पकड़ लो, मोटा मोटी 27 सितंबर पकड़ लो, तुम देखना इनका क्या होगा खालिस्तानियों का। तुम्हारे जितने भी खालिस्तानी ड्रग लॉर्ड्स,
जितने भी तुम्हारे स्मगलर्स, ड्रग सप्लायर्स, माफिया कॉन्ट्रैक्ट किलर्स जितने भी हैं, ठीक है, ये सब ठोके जाएंगे। यू कांट फाइट अगेंस्ट द स्टेट यार। ये तुम लोगों में बहुत, ये म्यूजिक वीडियो में ऐसे ऐसे करके तुम लोग एक्चुअली सोचते हो म्यूजिक वीडियो सही है? तुम लोग एक्चुअली सोचते हो कि तुम बहुत तीस मार खान हो? अब भी कर देंगे खत्म तुम्हें, जेल में जाओगे सबके सब, सबके सब खालिस्तानी जेल जाओगे। जिसने काम करा गलत, जिसने कानून तोड़ा है, वो जेल जाएगा। ठीक है जी, इंडियन गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है? इंडियन गवर्नमेंट को यह पता है कि कनाडा जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से। अच्छा, आप देखते हैं कनाडा क्या करता है। कनाडा क्या बैन करेगा इंडियन वीजा को? मेरा नहीं ख्याल करेगा। उसकी वजह क्या है? बिकॉज द वेरी पॉपुलेशन और द वेरी यूथ विच इज बेसिकली ट्रैवलिंग, उसके ऊपर अगर पाबंदी लग गई तो वो जो इंडिया, वो जो 14 लाख टोटल पॉपुलेशन है, 8 लाख सिख पॉपुलेशन है कनाडा के अंदर, वो कहेंगे यार है तुसा की कीता, थोड़े तालुकात खराब ने, पर साढ़े तो जिया आन दौ, साढ़े बंदे तुम फसाते नहीं उतने, ठीक है। सो इंडिया को पता है कि भाई ये तो हमारे डॉलरों पे इनको फायदा हो रहा है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जा रहे हैं, इंडियंस जा रहे हैं, तड़ातड़ पैसे पाएंगे, $20,000 $25,000 $10,000 $25,000 देंगे, पढ़ेंगे जाके, ठीक है जी। अब हुआ ये है कि कहा जाता है कि दो पिछले साल, ठीक है जी, 47% इजाफा हुआ है, ठीक है जी, जिसे वो कहते हैं ना कि स्टूडेंट्स के अंदर उधर, ठीक है जी। अब ये जो उसमें से ज़्यादातर जो है वो इंडियंस हैं, ठीक है जी, कहा जाता है कि 40% स्टूडेंट्स जो हैं शायद इंडिया से हैं, एक इनका है कैनेडियन ब्यूरो फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन, ठीक है जी। और ये भी कहा जाता है कि जो कनाडा की सिख पॉपुलेशन है वो पिछले 20 सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ी है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल जो कनाडा का जो एजुकेशन का अदारा है, कैनेडियन ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन, वो ये कहता है कि तकरीबन जो 40% स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया से आते हैं। सुन लो, पाकिस्तान तो मैं लगता जानते क्यों नहीं, साढ़े दिन बुढ़े फारक में। अच्छा, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं दे कम फ्रॉम चाइना, कैनेडा में चाइना के नाग भी रौला बने हैं। वो जो आपको याद होगा इंडोनेशिया में जस्टिन ट्रूडो एंड उनकी हुई थी, और फिर कनाडा ने, कनाडा के अंदर जो है वो उन्होंने क्या किया था, जो यार उन्होंने ना है वो पुलिस स्टेशन खोल लेते हैं इंडियंस, सॉरी चाइनीज वन, ठीक है। सो 40% वहाँ से आते हैं, 12% उन्होंने असी साढ़े मुंडे डंकियाँ होंगे ना पाकिस्तानी, वो तो कहते हैं यार कोई डंकी लग जाए, डंकी लग जाए ना, कोई इस तरह की चीज़ हो जाए, डंकी किसी तरीके लग जाए, ठीक है जी। हूँ डंकी कहें लगेगी कि होगा किस तरह होगा, बाद की गल। सो ये चीज़ें जो है वो हमें सामने आ रही हैं। इसी तरह 4% को इंडोनेशिया में ले जा से, 2% ब्राज़ील से, 2% इधर उधर, ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं हमारे, ठीक है। और मुझे ऐसे लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर ये इफ इट वेंट लाइक दिस, अगर ये ऐसे ही चलता रहा और ये ऐसे ही होता रहा, तो जारी बात है चीज़ें ज़्यादा ख़राब होंगी। अब बाइडन साहब का मैं जो आपको शुरू में बता रहा था कि बाइडन ने क्या किया, ठीक है जी, बाइडन ने यूएन में इंडिया की तारीफ़ें शुरू कर दी, सऊदी अरब की तारीफ़ें शुरू कर दी, और उन्होंने इसलिए तारीफ़ें शुरू कर दी, ठीक है जी, कि वो उनको पता यार मैंने G20 में बड़ा काम किया है तो ये तो सारा मसला हो जाएगा, ठीक है। और अब जो जिसे वो कहते हैं ना कि जॉन किर्बी जो कि स्पोक्स पर्सन है बाइडन के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्होंने कहा जी हम तो बड़े परेशान हैं ये जो अगर इंडिया ने ऐसे किया है तो, और एक तरफ ये बातें भी आ रही हैं जी वो लेकिन ये सारे के सारे इंडिया के करीब तो बहुत ज़्यादा करीब हैं। सो ये सारे के सारे, अच्छा आप अगर कनाडा की अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी या जो डॉक्ट्रिन भी देखें तो दैट टेल्स अ डिफरेंट पिक्चर, ठीक है जी, वो एक डिफरेंट पिक्चर की बात करती है। और मुझे नहीं पता कि अब कनाडा तो जारी बात है इंडो पैसिफिक से पीछे हट गया, कनाडा इज़ नो मोर एन इंडो पैसिफिक, ऐसा मुल्क नहीं है जो इधर आके कुछ कर सकता है, ठीक है। बाकी मुल्क जो हैं जारी बात है अमेरिका के लिए चाइना इंपॉर्टेंट है भाई, फॉर मी इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, फॉर अमेरिका कनाडा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट मे बी एट द एक्सपेंस ऑफ spoiling relations with India, it may not be important. तो दोस्तों कनाडा ने ये करा, भारत ने वो करा, अब भारत ने बोल दिया कि तुम you're not welcome. कैनेडियंस का 21 तारीख से वीजा रोक दिया गया है नाउ। तो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कनाडा ना ही जाओ तो अच्छा है, ठीक है, कोई ऐसी खास जगह नहीं है। अब मेरी कैनेडियन सरकार से एक दरखास्त है कि आपको जितने भी ऊबर के ड्राइवर चाहिए थे और ट्रक ड्राइवर चाहिए थे खालिस्तानी चला रहे हैं, वो सबके सब इंडिया से झूठ बोलकर गए थे पॉलिटिकल रिफ्यूजी बनके, वो सारे के सारे ये काम कर रहे हैं, आगे से वी विल नॉट सप्लाई एनी मोर ट्रक ड्राइवर्स एंड उबर ड्राइवर्स टू यू, प्लीज कॉन्टैक्ट पाकिस्तान, ठीक है। और पाकिस्तान से मैं बता रहा हूं, पाकिस्तानियों से मांगो,
यहाँ पे तो फिर भी आपको खालिस्तानी ऐसी मिलेंगे। चौथी दोस्तों, ऐसे में आप ये भी बात सोच रहे होंगे शायद कि भारत ने कनाडा को वीजा को बैन किया है तो शायद कनाडा भी भारतीय व्यक्ति को वीजा बैन कर देगा। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि कनाडा ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि करेगा तो उनको इतना घाटा जाएगा, वो इतना घाटा जाएगा कि आप सोच नहीं सकते, कुछ ही 2-3 दिन के अंदर ही चला जाएगा घाटे में। इसी के साथ साथ वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के खिलाफ सिख समुदाय के लोग, जो कि भारतीय ही, अभी तो हिंदू को छोड़ दीजिए, सिख समुदाय के लोग उनके खिलाफ रोडों पर उतर जाएंगे और कुछ न कुछ बयानबाजी देते रहेंगे और उनका सरकार गिरना तय हो जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ साथ भारतीय सरकार का जीरो टेररिस्ट पॉलिसी भी लागू होते जा रहा है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि जो काम बड़े बड़े देश नहीं कर रहा है वो काम भारत कर रहा है, जो कि हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है। भाई साहब, किसी का वीजा बैन कर देना है ये कोई छोटी बात नहीं है, वो भी एक या दो व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा कनाडा को ही वीजा को बैन कर दिया भारत ने। उसने खुद ही बोला है कि ऑल कैनेडियन नो एंट्री इन इंडिया। दोस्तों इस पॉलिसी के तहत कोई देश आगे भी नहीं आ रहा कि आखिर भारत कनाडा को ये क्यों ऐसा किया, यानी भारत ने कनाडा के वीजा को क्यों बैन किया। दोस्तों आने वाले एक या दो सप्ताह के अंदर ही कैनेडियन सरकार को खुद ही पता लग जाएगा कि हम भारत के साथ पंगा लेकर के बहुत बड़ा गलती कर चुके हैं। चलो ये भी मान लेते हैं कि भारत के साथ कनाडा का ट्रेड और व्यापार बंद हो जाएगा, लेकिन इनके अलावे बहुत सारे बड़े बड़े देशों के साथ, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियों के साथ भारत को डील हुआ है, जिसकी वजह से भारत का कभी नुकसान हो ही नहीं सकता है। शायद ये भी हो सकता है कि भारतीय सरकार को इसमें थोड़ा सा लॉस होगा, लेकिन ज्यादातर कैनेडियन सरकार को ही लॉस होगा। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।